संसार प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर को आज सरकार ने विधिवत रूप से खोल दिया है। मंगला आरती के साथ श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर आज खोल दिया गया है। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्री भी आज पहुंच गए हैं और यात्रियों ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके अपने आप को खूब पुण्य का भागी समझा। मंदिर में फूल पूजा प्रसाद सब वर्जित रहेगा। इसके अलावा झालर टंकोरे भी मंदिर से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की चेकिंग के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को हाथ सैनिटाइज भी कराए जा रहे हैं। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे सोशल डिस्टेंसिंग में, ये आप देख सकते हैं, ये श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जो बड़े ही दूर से आए हैं। पुलिस स्टाफ के साथ साथ मंदिर प्रशासन की ओर से भी तैनात गार्ड भक्तों को मास्क लगाने के लिए एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए बार बार हिदायत देते दिख रहे हैं। कैमरामैन राघव पारसर के साथ दिनेश पारसर की रिपोर्ट। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। पुष्कर की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। यह संसार प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई है और आज से ये मंदिर विधिवत रूप से खुल गया है। लेकिन यहाँ किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, श्रद्धालुओं को कम से कम जो है 4 से 5 फीट की दूरी पर खड़ा किया जा रहा है और श्रद्धालु दूर से ही दर्शन करके जो है अपने मन को शांति दे रहे हैं। ये संसार का एक मात्र मंदिर है जो पूरे संसार में एक ही है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, लेकिन ये एक बात